बीजेपी सरकार की सहयोगी पार्टी जेडीयू पार्टी के प्रमुख नेता नीतीश कुमार पर कोर्ट की बड़ी मार पड़ी है। नीतीश कुमार के दफ्तर पर करोड़ों रुपए का बकाया होने के चलते कोर्ट ने कड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई से इस समय नीतीश कुमार और उनकी पार्टी हिल गई है। पटना की एक अदालत ने 665 करोड़ रुपए के बकाये के मामले में पुरानी सचिवालय बिल्डिंग को जब्त करने नीलाम करने का आदेश दिया है। बड़ी बात तो यह है कि इस बिल्डिंग परिसर में सीएम नीतीश कुमार समेत कई आला अधिकारियों और मंत्रियों के दफ्तर हैं। बिहार राज्य भूमि विकास बैंक समिति के बिहार सरकार पर बकाये के मामले में कोर्ट ने यह आदेश दिया है। बकाये के भुगतान को लेकर बैंक ने अदालत का रास्ता अख्तियार किया है। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार जिस इमारत को लेकर कोर्ट ने आदेश दिया है उसमें राज्य के कैबिनेट मंत्रियों के अलावा गृह सचिव और राज्य के कई विभागों के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के दफ्तर हैं। आपको बता दें कि बकाया की मूल रकम 493.7 करोड़ रुपए है जबकि 171.15 करोड़ रुपए का ब्याज है। यह आकलन पिछले साल 31 अगस्त तक का है। यह बकाया रकम राज्य सरकार के जरिए आम नागरिकों और खास तौर पर किसानों को दी गई सब्सिडी और कर्ज माफी की वजह से है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट की ओर से आदेश जारी होने के बाद एक टीम मुख्य सचिव कार्यालय का कुर्क करने पहुंची थी। हालांकि अपर मुख्य सचिव ने एक हफ्ते का समय मांगा जिसके बाद कुर्की की कार्रवाई टाल दी गई। ऐसे में बिल्डिंग की नीलामी होने से नीतीश कुमार की मुसीबतें झेलनी पड़ सकती हैं। दफ्तर न होने की वजह से सभी कार्यकर्ताओं को अपना इंतजाम कहीं और करना पड़ सकता है। देश भर में बहुजन समाज से संबंधित अनेक घटनाएं घटित हो रही हैं। नेशनल दस्तक यूट्यूब चैनल के माध्यम से लगभग सभी खबरों को आप तक पहुंचाना चाहता है। वीडियो की संख्या अधिक होने के कारण नेशनल दस्तक की टीम को एक ही यूट्यूब चैनल पर दिखाना संभव नहीं है। सभी मुद्दों को जल्द से जल्द आप तक पहुंचाने के लिए हमारी टीम ने एक नया यूट्यूब चैनल नेशनल दस्तक 2 के नाम से शुरू किया है। वास्तव में यह चैनल नेशनल दस्तक की एक कड़ी है। उम्मीद है आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके हमें और बहुजन मीडिया को और भी मजबूत करेंगे। नए चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।